हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस खूबसूरत दीना पानी ग्राउंड से आपका स्वागत है। रात को नींद बहुत अच्छी आई, लेकिन लगभग 4 बजे कुछ लोग यहाँ आए, जो कि एक गाड़ी पर और बाइक पर थे, कुछ बाइकें थी उनके साथ, और उन्होंने यहाँ पर इतनी तेज़ लाउड म्यूज़िक लगा दिया और शोरगुल करने लगे। हम लोगों की नींद खुल गई। बाहर आके देखा तो पहचान के लोग नहीं थे, पता नहीं गाँव के थे या बाहर से आए थे, पर उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया यहाँ पर। यह विचित्र सी घटना हमारे लिए सस्पेंस बन गई कि वो कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था ऐसा करने का। एनी हाउ, कभी कभी अनजान जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, पर हमें विचलित नहीं होना और अपनी कैंपिंग जारी रखनी है। आज हमने जाना है कसार देवी मंदिर, तो पहले नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करने के बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। नाश्ते में बन रही हैं बैम्बिनो नूडल्स और उसमें डलेंगी ढेर सारी वेजिटेबल्स। डॉगी हमारा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होने देता ना। है बड़ा प्यारा। प्याज भुन गए, अब डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। नाश्ता रेडी हो जाए बस, फिर खाकर पैकिंग करते हैं आगे के सफर के लिए। पहले जाएंगे कसार देवी और उसके बाद कैंपिंग करेंगे कोसी रिवर के किनारे। बीन्स को थोड़ा सा गला लेते हैं ना, हल्का हल्का। बैम्बिनो हो गई रेडी और चाय भी डल गई है। नाश्ता सर्व हो रहा है, बस फटाफट नाश्ता करते हैं और निकलते हैं कसार देवी की तरफ। अजय जी आ जाओ जल्दी। नमक ठीक है? तो ये सूजी की होती है ना, मोस्टली आटे की नहीं होती, सूजी की होती है, हम यही बना लेते हैं। इसमें वो डलता है ना कड़ी पत्ता, वो तो मैं लाई थी, वो खराब हो गया। सिमरन जी की किचन से आज काफी रेयर ब्रीड निकली है देसी खाने की, अदरवाइज वो हेल्थ कॉन्शियस थे तो थोड़ा उस टाइप की बन रही थी डाइट। इटालियन डिश। ये आधा रश्मि ने चट कर लिया है परांठा मूली का, आधा मेरे लिए रखा है, वो उधर परांठे अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म मूली के परांठे, वो भी उत्तराखंड के घी में। आंचल वाला पहली बार किया ना हम लोगों की तरफ, होता नहीं है। अच्छा अच्छा, हम लोगों की तरफ उत्तराखंड में तो आंचल ही यूज होता है। एक जगह से कैंपिंग खत्म करके अब हम चल रहे हैं अगली कैंपिंग में। वहाँ लकड़ी बारिश की वजह से जैसे कल गीली हो गई थी, गीली ना हो जा करके, तो हम यहीं से थोड़ी सी लकड़ी। क्या है कि हमारा जो लास्ट सिलेंडर चल रहा है पोर्टेबल, और मुझे 100% लग रहा है कि नेक्स्ट खाना जो है उससे बन नहीं पाएगा, तो इसको जला के इस पर खाना बनाएंगे वहाँ पे। इंतजाम पहले से करके चल रहे हैं। वो शावल भी उठा लो वहाँ से। ठीक है, हाथ हो गए काले और इसको मिट्टी से रगड़ के साफ कर लेते हैं, साबुन बाद में लगाएंगे, पानी कम लगेगा ना, पानी का भी बचाव हो जाएगा ना। हाथ देखो बिल्कुल कालक सारी उतर गई। सब लोगों का नाश्ता हो गया और अब सब कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि हमने आगे के सफर पर जाना है और इस खूबसूरत दृश्य को हमने दूर से कैप्चराइज किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से बादल मंडराते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो हमें कह रहे हों कि चलो आगे, अब आगे के सफर की तरफ चलें। अब हम दाना पानी ग्राउंड से निकल पड़े हैं कसार देवी मंदिर के लिए, और उसके बाद फिर हम जाएंगे किसी नेक्स्ट लोकेशन पर और आपको वहां की लोकेशन की जानकारी देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए हमारे इस ट्रैक पर। प्रवेश द्वार कसार देवी टेंपल, यहां से देखते हैं कितना लंबा ट्रैक है, जाके पता चलेगा। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पर कसार नामक गांव में कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कसार देवी मंदिर में मां दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिर में मां दुर्गा के 8 रूपों में से एक रूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस स्थान में 2500 साल पहले मां दुर्गा ने शुभ निशुभ
नाम के दो राक्षसों का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। जय महाकसार देवी। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1890 में ध्यान करने के लिए कुछ महीनों के लिए इस स्थान को चुना था। इसी तरह बौद्ध गुरु लामा अंगिरिका गोविंदा ने भी गुफा में रहकर विशेष साधना करी थी। ऐसा माना जाता है कि कसार देवी मंदिर में सभी भक्तों की मनोकामनाएं मां कात्यायनी की कृपा से बहुत जल्द पूर्ण होती हैं। चलिए अब हम आपको कसार देवी मंदिर का परिसर भी दिखाते हैं और साथ ही साथ आपको मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमय और रोचक बातें भी बताते हैं। ऐसा माना जाता है यह जगह अद्वितीय और चुंबकीय शक्ति का केंद्र भी है। नासा के वैज्ञानिक चुंबकीय रूप से इस जगह के चार्ज होने के कारण और प्रभावों पर जांच कर रहे हैं। डॉक्टर अजय भट्ट का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र वैन एलन बेल्ट है। इस जगह में धरती के अंदर विशाल चुंबकीय पिंड है। इस पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत होती है जिसे रेडिएशन भी कहते हैं। यह वह पवित्र स्थान है जहां भारत का प्रत्येक श्रद्धालु व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम काल बिताने को इच्छुक रहता है। अनूठी मानसिक शांति मिलने के कारण यहां देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में कसार देवी मंदिर का मेला भी लगता है। वैसे पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं शांति कितनी होती है, घंटी की आवाज जब बजती है टन तो बिल्कुल अंदर तक दिल को छू जाती है। नीला नीला आसमान, कितना डार्क शेड है आज आसमान, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो वेदर क्लियर हो गया, जितना भी डस्ट थी सब बैठ गई। वो दूर एक प्रकृति प्रेमी बड़ी सी चट्टान पर बैठा हुआ है, काफी देर हो गई उसे वहां बैठे हुए और इस मनोरम प्राकृतिक छटा को निहार रहा है। कहते हैं यहाँ बैठकर मंदिर की तरफ निहारने से एक आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मंदिर के ऊपरी परिसर में भी कुछ देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। चलिए दर्शन करते हैं। कसार देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स में ही ये है भोलेनाथ का मंदिर, हर हर महादेव। इसका हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये एक छोटा सा मंदिर था। कसार देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद और यहाँ के अद्भुत नज़ारे को देखने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने अगले सफर की तरफ और उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।